जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का वीडियो है राहु ग्रह के कर्क राशि के भ्रमण के बारे में। राहु का पुष्य नक्षत्र में भ्रमण जो है वो 26 अप्रैल 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में है और ये राहु का भ्रमण राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि को कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में आज का जो ये वीडियो है नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन है। प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को राहु का फल कैसा रहेगा इसके बारे में है। तो राहु का पुष्य नक्षत्र में भ्रमण चल पड़ा है 26 अप्रैल 2018 से और राहु चलेंगे 3 जनवरी 2019 तक पुष्य नक्षत्र में एवं कर्क राशि में। आठवीं राशि वृश्चिक राशि जो है वो इस प्रकार बनती है। विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण ऐसे मिला के वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि में जन्मे हुए प्रत्येक नक्षत्र के अंदर अलग अलग फल होगा राहु का। वैसे तो राहु का नौवें स्थान यानी कि भाग्य स्थान जो माना जाता है, भाग्य स्थान में फल जो है वो मध्यम फलदायी माना गया है। तो राहु विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण एवं वृश्चिक राशि में जन्मे हुए जातकों के लिए राहु का फल अत्यंत शुभ है क्योंकि आपके लिए यह राहु जो है वो संपत तारा में चल रहे हैं। संपत माने संपत्ति में वृद्धि करने वाले बनेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से ट्रैवल यात्रा प्रवास से लाभ रहेगा या तो आपको बड़ी विदेश यात्रा प्रवास भी हो सकता है, धार्मिक यात्रा प्रवास हो सकता है तो ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट रहेगा। मुसाफरी के दरमियान आपको लाभ मिल सकता है। मुसाफरी के दरमियान आपको कोई नया कनेक्शन बिजनेस का मिल सकता है तो ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट रहेगा और नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ रहेगा। विशाखा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक इंजीनियरिंग क्षेत्र से कनेक्टेड है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंस्ट्रक्शन के कार्य करने वाले हैं तो उनको ये राहु बहुत सुफल देने वाला होगा और आपको ग्रैंड सक्सेस देने वाला होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए राहु का फल कैसा होगा। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए जो राहु का फल है वो आपके जन्म तारा में आता है। तो जन्म तारा के अंदर जो राहु का भ्रमण है वो आपके लिए मध्यम फलदायी है। न ज्यादा शुभ न ज्यादा अशुभ। अशुभ तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि जन्म तारा हमेशा पुष्टि करता होता है और ये जो राहु का भ्रमण है भाग्य स्थान के अंदर आपको यात्रा प्रवास करवाएंगे, विदेश यात्रा प्रवास से आपको लाभ रहेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो शनि महाराज है तो शनि महाराज इतना जल्दी देते नहीं है। इसके कारण आपको जो भी कुछ पाना है मिलना है उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तब जाके उसका आपको फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपके लिए भी फल शुभ है, अशुभ नहीं है। और वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक हैं इनके लिए भी राहु का फल अत्यंत शुभ है क्योंकि आपके ये अति मित्र तारा में राहु का भ्रमण हो रहा है। तो आपको भी विदेश यात्रा प्रवास से लाभ रहेगा, ट्रैवलिंग से लाभ रहेगा, ब्रदर सिस्टर से भी आपको लाभ मिल सकता है, नए साहस से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप कुछ ट्रेडिंग का कार्य कर रहे हैं तो आपके कार्य में प्रोग्रेस रहेगा। अब्रॉड से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना रहेगी। कंस्ट्रक्शन, सिविल, इंजीनियरिंग क्षेत्र से कनेक्टेड जो भी जातक हैं ज्येष्ठ नक्षत्र वाले उनको भी बिजनेस में प्रोग्रेस दिखाई देगा। तो आपके लिए भी राहु का भ्रमण शुभ है। ओवरऑल वृश्चिक राशि वाले तमाम जातकों के लिए राहु का फल शुभ है। यदि आप अपने पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें। नंबर इस प्रकार है 9998011838। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है।
सब्सक्राइब करिए चैनल और साथ में बेल का आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो हमारे चैनल से अपलोड होता है वो उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। यदि आपके कोई मित्र हैं वृश्चिक राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। फेसबुक, गूगल प्लस, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से ये वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉमेंट बॉक्स में नीचे कॉमेंट करें, लाइक करें, ऐसे ही देखते रहिए। जय गणेश।